पूरे भारत देश में गो सेवा का जो मुद्दा है आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही, और आज़ादी का भी जो मूल था वो गो सेवा ही था आज़ाद होने के इतने साल बाद भी। और वो सरकार जो गाय के और राम के नाम पे आई है उसके भी 4 साल बीतने के बाद भी कतलखानों में गौमाताओं को वैसे ही काटा जा रहा है, सड़क पे गलियों में भूख से पीड़ित थैलियाँ खाकर वैसे ही गायें आज भी पीड़ित हैं, ऐसा क्यों? ये सरकार जो आज से नहीं जीरो से लेकर के यहाँ प्रचंड बहुमत में आई है, गाय और राम का नाम लेकर के ही आई है, वो दोनों पीड़ित हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न इस सरकार के सामने है। और ये वो जो संत भगवान नाम से ये राजनीति कर रहे हैं, भगवान दारियों से ये इतना प्रचंड बहुमत इन्होंने लिया है, उन सब भगवान संतों को आज सड़क पर उतरने की जयपुर में नौबत आई है, आखिर ऐसा क्यों? ये सरकार के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। राज्य सरकार ने इस सरकार से बनने के पूर्व है जब चुनावी माहौल चल रहा था घोषणा पत्र में 15 बिंदु गो सेवा के लिए थे, पूरे प्रदेश से गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके गाय के लिए आरक्षित करेंगे, गोमाता अलग स्थापना करेंगे, प्रति वर्ष 9 महीने का सहायता राशि गौशालाओं को देंगे, गो तस्करी का कठोर कानून बनाएंगे, इनके से 15 जो बिंदु घोषणा पत्र में लिए हैं उनके कोई कार्य क्यों नहीं हुआ? ये कार्य नहीं हुआ वो तो एक अलग बात है, केंद्र के द्वारा जो 1956 से अकाल के तहत राज्य सरकार की गौशालाओं को अनुदान दिया जाता था उसको बंद कर दिया, साथ में ही जीव जंतु कल्याण बोर्ड केंद्र की योजना थी कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक गौशाला को स्थायी ग्रांट मिलती थी उसको बंद कर दिया, और मोदी जी ने गोरक्षकों को मुद्दा बताया उसको अलग विषय है, जानते ही आप तो आखिर ऐसा क्यों? ये सब देख करके हमने 4 साल 4.5 साल इंतजार किया, लेकिन सब संतों को जो पीड़ा है दर्द है भाई गाय का अब भी काम नहीं होगा तो कब होगा, इस सब विषयों को लेकर के आज गोसेवा राजस्थान गोसेवा समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान सहित पूरे प्रदेश से गोभक्त संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन तैयार किया है, वो ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, लेकिन बाहर कड़ा पुलिस का पहरा सरकार ने लगा दिया है, पता नहीं भगवानदारियों से सरकार इतनी क्यों डरती है, अब आगे ये सभा होने के बाद कैसी स्थिति बनती है कैसी नौबत आती है वो देखते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुखदायी और पीड़ादायी विषय है कि गाय के लिए संतों को ऐसे सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आने वाले चुनाव में देखो जहाँ तक चुनाव का विषय है वो हम सब संतों से दूर है, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार आए किसी की भी पार्टी सत्ता में आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो पीढ़ियों से हम नहीं हमारे गुरुओं ने भी गौ माता की लड़ाई लड़ी है आज़ादी के पहले से लेकर के बाद तक, वो हत्या प्रतिबंध हो गो का विषय है वो सर्वोपरि से हो इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है, वो किसी की भी सरकार आए हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ भाजपा ने गो भक्तों को राष्ट्र भक्तों को ये विश्वास दिलाया था कि हम आएंगे तो गाय का और राम मंदिर का कार्य करेंगे, वो नहीं हुआ इसलिए हम पीड़ित हैं, बाकी किसी की भी सरकार बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई राजनीति न करते हैं न करेंगे। और किस तरह की आपको जैसे कि सरकार आपको ये आश्वासन देती रहती है बार बार, तो किस तरह की आपको ऐसा कहते हैं आगे उनसे उम्मीदें हैं कि और क्या विशेष उम्मीदों को? तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा है, जैसे मैंने बोला कि हम नहीं हमारी पहले की पीढ़ियां भी चली गई इस इंतज़ार में कि ऐसी राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी वाली सरकार आएगी वो सब कार्य होगा, इसलिए वो उम्मीद जो पीढ़ियों पहले दब गई और आज की पीढ़ी में जागृत होने के बाद भी उन्होंने धोखे से साथ दबा दिए, इसलिए उम्मीद वाली जहां बात है वो तो हम बहुत ही निराश हो चुके हैं बहुत ही अवसाद में आ चुके हैं, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं हम, इसलिए गाय के अधिकार के लिए हम निरंतर प्राण प्रण हम लड़ते रहेंगे इनकी सरकार हुआ भी कोई। आज का जो ये प्रोग्राम है इसके कुछ मुख्य बिंदु कि किस वजह से मतलब ये एक कदम उठाना पड़ा कि सारे समाज को गौरक्षकों के होना पड़ा? आज का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगे और केंद्र के द्वारा जो योजनाएं चल रही थी उन्होंने बंद किया वो चालू करें, और राज्य सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में जो बिंदु 15 लिए दिए थे उनके अमल होकर के वो कार्य शीघ्र करें, ये 3 बिंदु हमारे मुख्य हैं जो शीघ्र इन पर अमल होना चाहिए।